हेलो गाइस, दिस इज़ मोहित अहरवाल। और पिछले लेक्चर में अपन लोग देख चुके हैं ईसीजी के बारे में कि उसके वेक्टर किस तरह से उसकी डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं, किस तरह से वो वेव बन रही थी वेक्टर की वजह से। तो अपन ने ये पिछले लेक्चर में देख लिया। अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किस तरह से अपन को यूनिवर्सिटी में लिख के आना है, क्या क्या इसकी बेसिक चीज़ें होती हैं जो अपन को समझनी है। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एक टेक्निक है जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं, अपन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को पता लगाते हैं। कैसे? कुछ ईसीजी लीड्स होती हैं, उनको अपन चेस्ट की सरफेस पे या बॉडी सरफेस पे रख के क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का पता लगाते हैं। क्योंकि जो अपन की हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो अपन की सरफेस तक आती है, इस वजह से सरफेस पे अपन ईसीजी लीड्स रख के आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसकी एक्टिविटी किस तरह से हो रही है हार्ट की। ठीक है, तो ये टेक्निक क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। टेक्निक को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और एक और टर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान रखना, यह एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ये वो ग्राफ है जो यहाँ से इस तरह से बन रहा था अपन का। ये जो ग्राफ बन रहा था ना, ये ग्राफ क्या है अपन का? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो पेजेस पे बनता है। ठीक है, तो तीनों टर्म आपको समझ में आ गई। अपन देखते हैं ईसीजी के यूज़ क्या होते हैं। तो ईसीजी यूजफुल होती है क्या क्या में? हार्ट रेट का पता लगाने के लिए, हार्ट रिदम का पता लगाने के लिए। देखिए, कोई भी क्लिनिकल कंडीशन, अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, कोई हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है, तो अपन ईसीजी से आसानी से पता लग जाता है कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो अपन हार्ट रेट पहले कैलकुलेट कर लेंगे, उसकी रिदम किस तरह से आ रही, कि 72 बार धड़क रहा कि नहीं। ठीक है, फिर उसमें किस तरह से और अलग तरीके से यूज़फुल है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, अच्छे से कंडक्शन हो पा रहा है या नहीं, कहाँ पे कम हो रहा है, कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। जैसे नॉर्मली अपन को पता रहता है एबी नोड में कम होता है, तो इसके अलावा कहीं और दिक्कत तो नहीं जा रही, तो इस तरह से अपन को इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का भी पता लगा सकते हैं। ब्लड फ्लो, पूरा ब्लड फ्लो, मतलब कहीं हाइपोक्सिया, किसी हार्ट मसल में कहीं हाइपोक्सिया तो नहीं हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई कम तो नहीं हो गई। हार्ट अटैक, हाँ, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में अपन ने देखा था, मेनली ईसीजी अपन जरूर लेते हैं। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ये भी कोई दिक्कत हो गई तो इसमें भी अपन ईसीजी ले सकते हैं। ये सब टॉपिक अपन आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट चैम्बर, मतलब बहुत उसका मसल मास बढ़ गया या टिश्यू बढ़ गए हैं, तो उसका कॉन्ट्रैक्शन शायद एबनॉर्मली हो रहा है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें अपन आगे देखने वाले हैं। बस यहाँ पे अपन को ये टर्म याद कर लेनी है कि यूज किस तरह से होता है। तो ये पांच अपने यूज देख लिए, पांच छह। ठीक है, यूज़ अपन लिख के आ सकते हैं, अगर आपको शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है तो देख लिया अपन ने। अब देखते हैं अपन इलेक्ट्रोग्राफिक ग्रिड। इलेक्ट्रोग्राफिक ग्रिड क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ग्रिड, ये एक तरह से जो अपन का वो ईसीजी पेपर होता है, तो ईसीजी पेपर पे अपन को क्या क्या देखने को मिलता है वही होता है। ठीक है, वो मार्किंग्स को ही बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ग्रिड। इट रिफर्स टू मार्किंग ऑन ईसीजी पेपर। ईसीजी पेपर हैज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स, रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 mm एंड 5th लाइन थिक। तो इसमें क्या होती है, अपन ईसीजी जब पेपर देखेंगे तो उसमें क्या होता है, एक एक मिलीमीटर के छोटे छोटे से डिब्बे रहते हैं, वो एक बड़ा डिब्बा बनाता है। उसके बाद बड़े बड़े डिब्बे क्या होते हैं, एक मोटी मोटी लाइनों से, थिक थिक लाइनों से, मतलब क्या रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ईसीजी पेपर है एक, तो यहाँ पे ये सैंपल दिया गया है कि किस तरह से छोटे छोटे डिब्बे दिए हुए हैं, सबका क्या है, 1 मिलीमीटर क्या है इनका चौड़ाई लंबाई होगी, और ये एक मोटी लाइन से बड़े बड़े डिब्बे क्या हैं, दूर हैं, सेपरेट हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपन को क्या, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ किस किस तरह से इसमें वेव का टाइम रिलेशन होता है, लेकिन यहाँ पे अपन क्या देख रहे थे, ग्रिड देख रहे थे। तो ग्रिड में क्या है, एक वर्टिकल लाइन हो गई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या बताया गया, इसमें टाइम बताया गया है। वर्टिकल लाइन में इसका एम्पलीट्यूड बताया गया है, कितना एम्पलीट्यूड से ये ऊपर तक जाती है, जिसमें इसमें सबसे ज़्यादा वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड से जाती है। mm, मतलब एक छोटे डिब्बे के लिए कितनी थी, 0.04 सेकेंड, जबकि एक बड़े डिब्बे के लिए कितनी थी, 5 mm के लिए 0.2 सेकेंड। ठीक है, एम्पलीट्यूड देखें तो वर्टिकल एक्सिस पे बताया था 1 mm के लिए कितना, 0.1 मिलीवोल्ट, और 5 mm के लिए 0.5 मिलीवोल्ट। स्पीड ऑफ पेपर 25 mm पर सेकेंड, या इसको बदल के अपन 50 mm पर सेकेंड कर सकते थे। तो ये हो गया अपन के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ग्रिड। अब अपन देखते हैं ईसीजी लीड्स।
देखिए अभी तक अपन ने पढ़ा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अगर आपको कोई ग्राफ मिल रहा है किसी मशीन के द्वारा, तो ये जरूर कुछ ना कुछ अपन की बॉडी से कनेक्ट किया गया होगा। तो कनेक्ट क्या किया गया है, ईसीजी लीड्स। तो यहाँ पे अपन देखेंगे ईसीजी लीड्स कितने टाइप की होती हैं, ये क्या होता है और क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी, क्या कुछ ईसीजी लीड्स से काम नहीं चल रहा था तो बहुत सारी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ये अपन देखने वाले हैं। ठीक है, ईसीजी लीड्स। ईसीजी इज रिकॉर्डेड बाय प्लेसिंग ऑफ इलेक्ट्रोड ऑन द सर्फेस ऑफ बॉडी। दिस इलेक्ट्रोड आर कॉल्ड ईसीजी लीड एंड कनेक्टेड टू ईसीजी मशीन। तो कुछ इलेक्ट्रोड होते हैं स्पेशल टाइप सब, जो बॉडी की सरफेस पर लगाए जाते हैं और जिससे क्या होता है ईसीजी अपन माप सकते हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन लोग ईसीजी लीड्स। तो ईसीजी इज रिकॉर्डेड बाय प्लेसिंग ऑफ इलेक्ट्रोड ऑन द सर्फेस, मतलब ईसीजी को किसके द्वारा अपन पता लगा लेते हैं, कुछ इलेक्ट्रोड बॉडी सर्फेस पर रख के, क्योंकि जो अपन को इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट है वो क्या पूरी सर्फेस पे फैली रहती है। ठीक है, तो अपन आसानी से ये इलेक्ट्रोड लगा करके उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का पता लगा सकते हैं। वो कहाँ पर दिखती है अपन को, मशीन में दिखती है। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स आर फिक्स्ड ऑन द लिम्स, यूजली राइट आर्म, लेफ्ट लेग। हार्ट इज सेड टू बी इन द सेंटर ऑफ इमेजिनरी इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसको क्या बोलते हैं अपन लोग एंथोवियन ट्राइंगल। तो क्या होता है, ये मान लीजिए अपन का राइट वाला हैंड हो गया, ये लेफ्ट वाला हो गया, ये लेफ्ट लेग हो गया, तो इन तीनों में ये तीनों से कनेक्ट करके लीड्स को, और इसके बीच में क्या सेंटर मान लिया जाता है, हार्ट। क्या होता है, हार्ट। तो ये जो ट्राइंगल बनता है, इस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं अपन लोग, एंथोवियन ट्राइंगल, एंथोवियन ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल के बीच में किसको माना जाता है, हार्ट को माना जाता है। तो देखिए एंथोवन ट्राइंगल क्या होता है, ये दरअसल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो किससे बना है, जो अपन ईसीजी लीड्स को एक एक तरह से रख रहे हैं कि लेफ्ट राइट आर्म में, लेफ्ट आर्म में और लेफ्ट लेग में लगाने पर तो एक ट्राइंगल टाइप का बन रहा था जो इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो उसको एंथोवन ट्राइंगल बोल रहे थे। इसलिए बोल रहे थे क्योंकि एंथोवन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या दिया था, एक लॉ दिया था कि अगर दो ईसीजी लीड्स का जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो किसी एक के बराबर होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन था किरचॉफ लॉ का। देखिए इतना आपको पता नहीं करना है, मतलब इतना बस थोड़ी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ। तो जो एंथोवियन लॉ था वो इस तरह से था कि जो मान लो ये वाली जो लीड है ये सेकंड और ये थर्ड और ये वाली फर्स्ट वाली है। ठीक है, ईसीजी लीड 1 2 3, तो अगर 2 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, 1 और 3 के इक्वल होगा, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3। ठीक है, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ एनी वेव और कॉम्प्लेक्स इन लीड 2 ऑफ ईसीजी इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल इन लीड 1 एंड लीड 3। तो ये था एंथोवियन लॉ जो किस किसके लिए बना था, एंथोवियन ट्राइंगल के लिए बताता था। ठीक है, अब अपन देखते हैं कितने टाइप की ईसीजी लीड्स अपन के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पता करने के लिए ली जाती हैं। तो ईसीजी इज रिकॉर्डेड इन 12 लीड्स विच क्लासीफाइड इन 2 कैटेगरीज। तो दो कैटेगरी में 12 लीड को क्लासीफाई किया गया है, एक तो होती है बाइपोलर लीड्स और कुछ होती हैं यूनिपोलर लीड्स। तो बाइपोलर लीड्स किस तरह से अलग किया गया है इनको, यूनिपोलर लीड को क्यों अलग किया है, दरअसल जो बाइपोलर लीड्स होती हैं उनमें क्या होता है, दो जगह का पोटेंशियल डिफरेंस मापा जाता है, और उनमें दोनों की दोनों जो लीड होती हैं उनमें कुछ ना कुछ एक नेगेटिव पे रहती है, एक पॉजिटिव पे रहती है, जबकि जो यूनिपोलर होती है उसमें क्या होती है, एक इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड होती है, मतलब उसको नेगेटिव का मान लिया जाता है, उसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, जबकि एक होती है पॉजिटिव या एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो ये एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस बताता है कौन, यूनिपोलर वाला। ये देखते हैं अपन आगे, सबसे पहले ये 12 लीड्स को अपन देखते हैं। बाइपोलर लिंब लीड्स कितनी होती हैं, 3 होती हैं, लिंब लीड 1, लिंब लीड 2 और लिंब लीड 3। अभी कहाँ पे यूज करते हैं वो अपन देखते हैं आगे। ठीक है, यूनिपोलर लिंब लीड होती हैं और यूनिपोलर चेस्ट लीड होती हैं। तो यूनिपोलर लीड्स को कितने दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यूनिपोलर लिंब लीड्स, यूनिपोलर चेस्ट लीड। तो यूनिपोलर लिंब लीड में क्या होते हैं, एवीआर लीड, एवीएल लीड, एवीएफ लीड, और फिर यूनिपोलर चेस्ट लीड में क्या होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5, V6। ठीक है, तो ये चेस्ट पे लगाई जाती हैं। अब अपन देखते हैं सबसे पहले बाइपोलर लिंब लीड्स। तो बाइपोलर लिंब लीड्स को क्या बोलते हैं अपन, स्टैंडर्ड लिंब लीड्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव दो तरह दोनों इलेक्ट्रोड यूज होते हैं। ठीक है, टू लिम्स आर कनेक्टेड टू ऑब्टेन दिस लीड्स। तो दो अंगों को अपन लगा दिया जाता है ये लीड पता करने के लिए, मतलब ये लीड को लगाने के लिए अपन क्या दो अंगों का यूज करते हैं। बोथ आर एक्टिव इलेक्ट्रोड, वन इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। तो दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, एक नेगेटिव होता है तो एक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो दो अंगों पे लगाना है अपन को, जिनमें से एक नेगेटिव रहेगी और एक पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, स्टैंडर्ड लिंब लीड्स आर 3 टाइप्स। स्टैंडर्ड कितनी होती हैं, 3 टाइप की होती हैं, वो अपन ने ऊपर देख लिया, लिंब लीड 1, 2 और 3 होता है। तो क्या होती हैं, ये दो जगह का पोटेंशियल डिफरेंस पता करती हैं।
सबसे पहले अपन देखते हैं लिम्ब लीड वन। तो लिम्ब लीड वन को क्या किया जाता है, इट इज ऑप्टेंड बाय कनेक्टिंग राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म। तो राइट आर्म और लेफ्ट आर्म को कनेक्ट किया जाता है। अब इसमें ये देखना पड़ेगा अपन को पॉजिटिव किससे कनेक्ट किया और नेगेटिव किससे कनेक्ट किया। तो जो राइट आर्म होती है उसको क्या कैसे कनेक्ट किया जाता है, नेगेटिव वाले टर्मिनल से, और जो लेफ्ट आर्म होती है उससे कैसे कनेक्ट किया जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो देखिए ये रही लीड वन। तो लीड वन का जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है उस किससे, राइट आर्म से कनेक्ट किया गया है, और लीड वन का पॉजिटिव वाला टर्मिनल किससे कनेक्ट किया गया है, लेफ्ट आर्म से। ठीक है, फिर ईसीजी लीड टू। तो ईसीजी लीड टू में क्या किया गया है, ये कनेक्ट किससे प्रोवाइड होती है, राइट आर्म और लेफ्ट लेग। तो अब किस तरह से इसको कनेक्ट किया जाता है, जो राइट आर्म होती है उसमें नेगेटिव टर्मिनल और लेफ्ट लेग में क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो अपन का राइट आर्म में क्या लगा दिया अपन ने, टू वाली लीड का नेगेटिव टर्मिनल और लीड टू का पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पर लगा दिया अपन ने, लेफ्ट लेग में। ठीक है, अब जो अपन की लीड थ्री है उसको कैसे कनेक्ट, लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग। तो लेफ्ट आर्म में क्या लगा दिया जाता है अपन का, नेगेटिव टर्मिनल, और लेफ्ट लेग में क्या लगा दिया जाता है अपन का, पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस तरह से क्या होती है अपन की, बाइपोलर लीड हो जाती हैं। ठीक है, अब अपन देखने वाले हैं यूनिपोलर लीड्स। यूनिपोलर लीड्स जो होती हैं वो क्या बाइपोलर से किस तरह से डिफरेंट रहती हैं, बाइपोलर इनको क्यों बोला गया, यूनिपोलर इसमें क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें केवल एक ही लीड कम एक्टिव है, जबकि उन्होंने दोनों की दोनों लीड एक्टिव थी। इस तरह से यूनिपोलर कुछ बाइपोलर से डिफरेंट रहती है। तो देखते हैं इसमें, वन इलेक्ट्रोड इज एक्टिव एंड अदर वन इज इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड। तो इसमें क्या होता है, एक एक्टिव होता है जबकि दूसरा क्या होता है, इंडिफरेंट होता है। जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है वो तो पॉजिटिव रहेगा, और इंडिफरेंट को क्या करते हैं अपन लोग, कंपोजिट नेगेटिव, मीन्स इसको नेगेटिव मान लिया जाता है, या फिर ये जीरो पोटेंशियल पर रहता है। अभी कितने टाइप की होती हैं, दो तरह की होती हैं, यूनिपोलर लिम्ब लीड्स और यूनिपोलर चेस्ट लीड। देखिए इस तरह अपन देख सकते हैं कि मान लो जो अपन की पॉजिटिव है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है, वो क्या उसका पोटेंशियल कितना है, वी वन है, और जो दूसरी वाली है इंडिफरेंट उसका वी टू है। तो वी टू को अपन क्या जीरो मान करके इसका क्या एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस अपन पता लगा सकते हैं। तो ये कौन करता है अपन की, यूनिपोलर लीड्स। ठीक है, अब देखते हैं अपन यूनिपोलर लिम्ब लीड्स। तो यूनिपोलर लिम्ब लीड्स को अपन क्या बोलते हैं, एक और नाम होता है इसका ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स या ऑगमेंटेड वोल्टेज लीड्स। इसमें क्या होता है, जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है, एक्टिव इलेक्ट्रोड को क्या किसी एक लिम्ब में कनेक्ट करके देख लिया जाता है। मतलब अपन ने क्या पिछली वाली में तीन अपन ने यूज की थी, एक राइट आर्म में यूज की थी, लेफ्ट आर्म में और लेफ्ट लेग में। तो ये तीन जगह अपन ने लीड्स को कनेक्ट किया था। तो मान लो अगर राइट वाले में अपन ने कनेक्ट कर दिया, तो इन दोनों में अपन क्या करेंगे, रेजिस्टेंस कनेक्ट करके, इसमें क्या किया अपन ने, रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, और अपन को क्या प्रोवाइड हो जाएगी, अपन की इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसमें एक्टिव और इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड प्रोवाइड हो जाती है। अब यूनिपोलर लिम्ब लीड्स कितने टाइप की होती हैं, तीन टाइप की होती हैं, ए वी आर लीड, ए वी एल लीड्स, ए वी एफ लीड। देखिए नाम से अपन को पता चल रहा, आर वाले में आर राइट वाले आर्म पे लगेगा अपन का एक्टिव, एल वाले में लेफ्ट आर्म पे लगेगा अपन का एक्टिव इलेक्ट्रोड, और एफ में फुट पे लगेगा। ठीक है, तीनों का नाम से ही पता चल गया। तो सबसे पहले ए वी आर, इसमें एक्टिव इलेक्ट्रोड कहाँ पे लगाया जाता है, राइट आर्म पे। तो इंडिफरेंट कहाँ से प्रोवाइड होगा, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग से। ठीक है, इसमें इन दोनों को कैसे कनेक्ट कर देंगे अपन लोग, रेजिस्टेंस से। ठीक है, और फिर ए वी एल, इसमें क्या एक्टिव कौन हो जाएगा, लेफ्ट आर्म। तो जो इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड है उसको क्या कैसे प्रोवाइड होगा, राइट आर्म और लेफ्ट लेग से। फिर ए वी एफ वाले में, तो इसमें एक्टिव कहाँ पे लगाएंगे, लेफ्ट लेग पे। तो दोनों के दोनों अपर लिम्ब वाले इसमें कनेक्ट कर दिए जाएंगे रेजिस्टेंस से। तो इस तरह से अपन क्या होती है, यूनिपोलर लिम्ब लीड्स हो जाती हैं। अब जो बाइपोलर और यूनिपोलर लिम्ब लीड्स होती हैं, ये दरअसल क्या होती हैं, हार्ट अपन की थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करती हैं, केवल सुपीरियर टू इन्फीरियरली एंड राइट टू लेफ्ट, बस इन दो डायरेक्शन में तो पोटेंशियल डिफरेंस का पता लग जाता है। लेकिन तो थ्री डायमेंशनल एंटीरियर पोस्टीरियर पता लगाने के लिए अपन को किसकी जरूरत पड़ती है, यूनिपोलर चेस्ट लीड्स की जरूरत पड़ती है। तो अब अपन देखने वाले हैं यूनिपोलर चेस्ट लीड्स। देखिए चेस्ट लीड कहाँ, इनको बोला कि जरूरत क्यों पड़ी, मैंने अभी बता दिया ना इनको, क्योंकि थ्री अपना जो हार्ट है वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अपन क्या क्या एंटीरियर पोस्टीरियर पोटेंशियल डिफरेंस पता लगाने के बाद ने क्या चेस्ट लीड्स की जरूरत पड़ी। चेस्ट लीड आर आल्सो कॉल्ड वी लीड्स और प्रीकार्डियल लीड्स। चेस्ट लीड्स मीन्स कार्डियक, मतलब उसके जस्ट सामने लगाए जाने, या हार्ट चेस्ट वॉल पे अपन चिपका देते हैं, वो बहुत सारी लीड्स लगाई जाती हैं। इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड किस तरह से इसमें प्रोवाइड होता है, जो अपन के तीनों लिम्ब्स थे, राइट लेफ्ट और लेफ्ट लेग था, इन तीनों में अपन किसको कनेक्ट कर देंगे, अपन इन तीनों को रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देंगे, जो का कितना हो जाता है, 5000 ओम का होता है। ठीक है, तो अपन का क्या होता है, मान लो ये अपन का वो ट्रायंगल था, ट्रायंगल के बीच में क्या अपन हार्ट मान लेते हैं। तो ये अगर तीनों जगह अपन ने क्या कर दिया, माइनस माइनस से कनेक्ट कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस बीच में कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो। तो
अब क्या अपन चेस्ट पे लगा करके आसानी से पता लगा सकते हैं। तो यूनिपोलर है मतलब एक जगह जीरो हो गया और एक जगह क्या रहेगा इसका एक्चुअल पोटेंशियल रहेगा। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं चेस्ट लीज का यूज कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है जो 2D में रहता है तो 2D वाला तो पोटेंशियल डिफरेंस गया तो सिर्फ एंटीरियर पोस्टीरियर अपन को पता चल जाता है। एक्टिव इलेक्ट्रोड इज प्लेस ऑन द सिक्स पॉइंट ओवर द चेस्ट, सिक्स पॉइंट ओवर द चेस्ट आर V1 V2 V3 एंड V4 V5 इस तरह से ये रहता है। तो अपन क्या होते हैं जो एक्चुअल एक्टिव इलेक्ट्रोड है सबसे पहले V1 कहाँ पर रखा गया अपन का स्टर्नम के राइट साइड, ये V2 कहाँ पर लेफ्ट साइड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, फिर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में कौन सा आ गया अपन का V3 V2 और V4 के बीच में, फिर V4 उसी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, फिर V5 रहता है वो एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे आ जाता है, V6 रहता है वो क्या आप पे आ जाता है मिडिल एक्सिलरी लाइन पे आ जाता है। तो अपन को मतलब इतना ही ध्यान रखना है कि यूनिपोलर चेस्ट लीड होती क्या है और वो कहाँ पे रखी जाती है, ठीक है। ये वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं। देखिए इतनी लीड पढ़ने के बाद एक और लीड होती है जो एक्स्ट्रा है आपके मतलब ऑब्जेक्ट वगैरह में पूछी जा सकती है, ग्राउंड इलेक्ट्रोड होती है, उसको क्या करते हैं अपन राइट लेग से लगा दिए जाते हैं और राइट लेग से लगाने के बाद उसको क्या ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि जो कोई मशीन में आर्टिफैक्ट मतलब कोई अपन कोई समस्या ना आए और क्लियर अपन को ECG प्रोवाइड हो। तो इस वजह से राइट लेग में भी अपन क्या होते हैं एक वेव एक ECG इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं जिसको क्या बोलते हैं अपन ग्राउंड या अर्थ इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं वेव्स ECG में किस तरह से अपन को मिलती हैं। तो देखिए एक मान लो अपन जनरली एक वो बनाए ग्राफ अगर, तो ये सबसे पहले पी वेव मिलती है, फिर ये अपन की आइसोलेक्ट्रिक लाइन आ जाती है क्यू वेव, इसके बाद एक पीक आता है आर वेव का, फिर एस वेव और फिर आइसोइलेक्ट्रिक लाइन और फिर क्या अपन को टी वेव प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो अलग अलग वेव प्रोवाइड हो रही हैं तो अपन से इस पर किस तरह से यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पी थी क्यू आर एस और ये टी कब प्रोवाइड होती है, ये किस वजह से होती है, इनका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, तो इन पर ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं या इनको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। तो देखिए अभी तक दो वेव पूछी गई हैं, एक टी वेव और PR इंटरवल पूछा गया है। तो अपन यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए ये यहाँ पे एक जनरल ग्राफ दिया है, इसमें अपन देख सकते हैं ECG में अपन को तीन चीज़ें दिखती हैं जनरली। एक तो अपन को सबसे पहले दिखती है वेव, क्या होती हैं वेव, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे इसमें दिखता है अपन को सेगमेंट्स, क्या होते हैं सेगमेंट्स। फिर होती है अपन की तीसरे नंबर पे इंटरवल। तो ये तीन चीज़ें देखनी है अपन को ग्राफ में। सबसे पहले देखिए वेव कितनी दिख रही है आपको, वेव सबसे पहले पी वेव क्यू आर एस, ये भी एक तरह से कॉम्प्लेक्स है वेव का, क्यू वेव आर वेव और एस वेव का, ठीक है। फिर अपन को टी वेव, इतनी सारी वेव्स मिल रही हैं। फिर वेव के बाद अपन को मिलेंगे क्या सेगमेंट्स। तो सेगमेंट्स क्या होते हैं, ये डिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं अपन लोग वेव बोल देते हैं। तो उसके बाद जो सेगमेंट होता है सेगमेंट को बोलते हैं जिसमें कोई भी चेंज ना हो, ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन को क्या बोल देते हैं अपन लोग सेगमेंट। तो यहाँ पे कितने मिल रहे हैं ऑनसेट ऑफ नहीं एंड ऑफ पी वेव टू ऑनसेट ऑफ क्यू या क्यू वेव तक, तो इसको पी क्यू सेगमेंट बोल सकते थे, लेकिन कई बार क्या होती है ग्राफ्स में क्यू वेव अपीयर नहीं होती इसलिए इसको क्या बोल देते हैं PR सेगमेंट, ठीक है। फिर क्या होता है अपन का ST सेगमेंट, तो ST सेगमेंट बोल दिया S वेव से टी वेव ऑनसेट ऑफ टी वेव तक, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होते हैं अपन के इंटरवल, तो इंटरवल क्या होते हैं ऑनसेट ऑफ पी वेव टू क्यू वेव, ठीक है। तो इसको भी क्या बोल देते हैं वो लोग PR इंटरवल। तो PR इंटरवल क्यों बोल रहे हैं, मैंने वही बताया क्यू वेव कई बार अपीयर नहीं होती इसको क्या बोल देते हैं PR इंटरवल। फिर अपन का क्या होता है QT इंटरवल, तो ऑनसेट ऑफ क्यू वेव टू एंड ऑफ टी वेव, तो ये कौन सा हो जाता है अपन का QT इंटरवल, ठीक है। और अपन का QRS कॉम्प्लेक्स मतलब क्यू वेव आर वेव और एस वेव। तो इतनी चीज़ें अपन को देखनी है, लेकिन इनमें से अपन मैं केवल यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको टी वेव और PR इंटरवल, बाकी आप पढ़ सकते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में जो पूछा गया है वो मैं बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं टी वेव। टी वेव क्या है, ये फाइनल वेंटिकुलर कॉम्प्लेक्स का क्या होता है मतलब रिपोलराइजेशन वाला फेज है। तो देखिए वेंटिकुलर कॉम्प्लेक्स जो अपन का क्या था QRS कॉम्प्लेक्स था, तो QRS कॉम्प्लेक्स में क्या होता है वेंटिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो, वेंटिकल का रिलैक्सेशन भी किसी फेज में हो, तो वेंटिकल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों जब होता है तो उन दोनों को क्या बोल रहे हैं अपन लोग वेंटिकुलर कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। अब ये फाइनल वेंटिकुलर कॉम्प्लेक्स है मतलब इसमें क्या होना है फाइनल टाइम में क्या होता है रिपोलराइजेशन होता है, तो इट इज द फाइनल वेंटिकुलर कॉम्प्लेक्स एंड इज अ पॉजिटिव वेव। पॉजिटिव वेव है क्योंकि देखिए रिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है पॉजिटिवली हो रहा है। कॉज क्या होता है इसका, तो ड्यू टू रिपोलराइजेशन ऑफ वेंटिकुलर मस्कुलेचर, तो वेंटिकुलर मस्कुलेचर का रिपोलराइजेशन होने की वजह से क्या होती है अपन की टी वेव अपीयर होती है, ठीक है। ड्यूरेशन क्या रहता है इसका 0.2 सेकंड और एम्पलीट्यूड क्या रहता है 0.3 मिली वोल्ट। ड्यूरेशन वगैरह आपसे पूछ लिए जाते हैं तो अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ टी वेव, ये देखिए अपन बहुत सारे ग्राफ पढ़ेंगे तो इनको आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ दिया इसको कि टी वेव नॉर्मली कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पर रहती है 1, 2, 3, 5 और V6। तो ये लीड्स आप पढ़ भी सकते हैं, ये आपको सिर्फ वाइवा टाइम पूछे भी जा सकते हैं,
तो आप एक बार बुक से देख लेना। इट इज़ नॉर्मली इन्वर्टेड इन AVR, इट इज़ वेरिएबल इन अदर लीड दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव और फ्लैट। तो नेगेटिव किस में रहेगा अपन का, नहीं इन्वर्टेड किस में रहेगा अपन का, AVR मतलब नेगेटिव इसमें रहेगा AVR में, इसके अलावा पॉजिटिव नेगेटिव या फ्लैट हो भी सकती है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं PR इंटरवल। तो PR इंटरवल क्या होता है, इंटरवल बिटवीन ऑनसेट ऑफ पी वेव एंड ऑन सेट ऑफ क्यू वेव। तो क्यू और पी वेव के बीच में जो अपन का क्या होता है इंटरवल होता है उसको क्या बोल देते हैं अपन लोग PR इंटरवल। इसकी ये किस वजह से होता है, तो देखिए PR इंटरवल में जो होती हैं दो चीज़ें होती हैं, मैंने सेगमेंट में आपको बताया सिर्फ आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, सेगमेंट में क्या बताई थी आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, जबकि इंटरवल में एक वेव या एक सेगमेंट हो सकता है, दो वेव हो सकती हैं या दो सेगमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या क्या बनता है, इंटरवल बनता है। तो इसमें वेव और सेगमेंट है, तो वेव और सेगमेंट मिलकर क्या बनाते हैं इंटरवल। तो इसमें पी वेव और ये PR इंटरवल, जो PR सेगमेंट आएगा इसमें, तो एट्रियल सिस्टॉल आ रहा है और क्या आ रहा है अपन का इंटरनोडल पाथवे में, वो ट्रांसमिशन AV नोड से जब मैसेज का इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है तो वो फेज भी इसमें आ रही है। तो PR इंटरवल सिग्निफाइज द एट्रियल डिपोलराइजेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स थ्रू AV नोड। इट शोज द ड्यूरेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम SA नोड टू वेंट्रिकल्स थ्रू ATL मसल एंड AV नोड। तो ये बताता है कि किस तरह से SA नोड से AV बंडल तक, जो अपन का AV नोड रहे वहाँ तक कैसे इम्पल्स जा रहा है या उससे कैसे गुजर रहा है। ठीक है, ड्यूरेशन क्या रहता है अपन का 0.18 सेकेंड, और जो कहाँ से कहाँ वेराइज करता है 0.122 सेकेंड तक। अब अगर 0.2 से ज़्यादा हो गया तो अपन को ये पता होगा कि AV नोड के पास में क्या है, मैसेज रुक गया, मतलब क्या हुआ है वहाँ पे AV नोडल डिले हुआ है। मोर देन 0.2 सेकेंड सिग्निफाइज द डिले इन द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम SA नोड टू वेंट्रिकल्स, इट इज कॉल्ड AV नोडल डिले। ठीक, इसके बाद अपन इसे क्लिनिकल देख सकते हैं कि टी वेव में किस टाइम पे क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, किस टाइम पे इसका घटेगा और किस टाइम पे इन्वर्टेड रहेगा। ठीक है, एक्यूट मायोकार्डियल इस्कीमिया, तो इसमें क्या होता है थोड़ा एम्पलीट्यूड बढ़ेगा लेकिन क्या थोड़ा ब्रॉड बेस मतलब चौड़ा टाइप का रहेगा इस तरह से। ठीक है, हाइपरकैलेमिया, इसमें बढ़ेगा लेकिन टेंट टाइप का हो जाएगा, और जो अपन का हाइपोकैलेमिया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, प्रीकार्डाइटिस, एंजाइटी और हाइपरवेंटिलेशन में क्या होगा, इसका इन्वर्टेड हो जाएगा, इन्वर्टेड मीन्स इस तरह से। ठीक है, टेंट शेप तो नहीं होगा पर जैसे उस तरह से पॉजिटिव थी उस तरह से नेगेटिव आ जाएगी, तो ये इन्वर्टेड हो जाएगा। PR इंटरवल कब का, तो ब्रैडीकार्डिया और फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा PR इंटरवल। तो मैंने बताया था आपको कि 0.122 सेकेंड था नॉर्मली, अगर 0.2 सेकेंड से ज़्यादा हुआ तो AV नोडल डिले भी हो सकता है। ठीक है, और उसमें क्या ब्रैडीकार्डिया के कारण या फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में। ठीक है, टेकीकार्डिया, वॉल्व पार्किंसन, वाइट सिंड्रोम या टाइप 2 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज, अपन आगे पढ़ेंगे जो टाइप 2 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज होती है, बायोकेमिस्ट्री आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है अपन का PR इंटरवल। ठीक है, थैंक यू गाइस, ये अपन का ECG रहा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अपने मेडिकल ग्रुप में भेजें, ताकि सबको आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छे से अच्छे लिख के आएँ और अच्छे से अच्छे नंबर आपको मिल पाएँ। थैंक यू गाइस।